हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि जो टीम इस बार आईएसएल पहली बार खेलने वाली है, जी हां दोस्तों, इंडियन सुपर लीग में उनका डेब्यू सीजन होगा। मैं बात कर रहा हूं रॉन्गलेस पंजाब के बारे में। तो यस, उन्होंने आज ही अपना नाम चेंज किया, क्लब का नाम थोड़ा चेंज किया एंड लोगों में भी थोड़े चेंजेस किए, और साथ ही साथ एकदम खतरनाक एकदम आईएसएल एक्सपीरियंस मिडफील्डर साइन कर दिया है एफसी गोवा से। तो उसके ऊपर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। एंड भाई, मुंबई सिटी ने फाइनली एक फॉरेन मिडफील्डर साइन कर दिया है। तो आइए जानेंगे ये दोनों टॉपिक्स के बारे में इस वाली वीडियो में। सो पहले बात करेंगे हमारे न्यूली डेब्यूटेंट टीम, दैट इज रॉन्गलेस पंजाब। रॉन्गलेस पंजाब ने, इट इज कॉल्ड हैज पंजाब एफसी। जी हां दोस्तों, अगर आपको याद रहेगा थोड़े दो तीन महीने पहले उन्होंने पोल डाला था कि भाई आपको तीन नाम दिए जाएंगे, उसमें तीन नाम से पंजाब के रिलेटेड ही, तो वहां पर एक पंजाब एफसी भी था शायद से। तो यस भाई, आज उन्होंने बता दिया कि भाई रॉन्गलेस पंजाब अभी से पंजाब एफसी। जी हां दोस्तों, रॉन्गलेस पंजाब न्यूली प्रमोटेड साइड है, जिन्होंने लास्ट सीजन आई लीग जीता था एंड प्रमोशन अर्न किया था टू इंडियन सुपर लीग। तो इस बार वो क्लब का नाम होगा पंजाब एफसी एंड ना कि रॉन्गलेस पंजाब। भाई पंजाब एफसी ये क्लब है एंड इस बार कम्पीट करेगी। और अगर आप लोगों के बारे में बात करोगे तो लोगों में ऑब्वियसली अगर पहला वाला लोगो देखोगे तो उसमें रॉन्गलेस पंजाब दिखा था एंड फुटबॉल क्लब दिखा था। लेकिन इस बार अगर आप बात करोगे जो नया लोगो है तो उसमें थोड़े चेंजेस किए कि रॉन्गलेस पंजाब के बदले पंजाब एफसी नाम लिख दिया है। एंड अगर आप बात करोगे अभी इंडियन ट्रांसफर मार्केट में या तो इंडियन फुटबॉल में लोगो चेंज करना तो आम बात है। मोहन बान भी मजे में कर रही है, मुंबई सिटी भी करने वाली है। मुंबई सिटी का जो नया लोगो है वो 14 जुलाई को आने वाला है, और अभी हमारे अगर आप बात करोगे इसका पंजाब एफसी ने भी कर लिया। तो भाई ऐसा बोलेंगे कि मम्मी मैंने की क्या उसको वो जेठा का जो मीम है ना, तो वो हो चुका है भाई। है क्या उसको मैंने भी किया, तो इसको भी करना है। तो इट इज आम बात भाई, ये एक आम बात है कि भाई अगर आपको लोगो चेंज करना है तो आप बिंदास कर सकते हो एंड नाम भी चेंज कर दिया है। तो भाई लेट्स गो भाई, देखते क्या होते। लेकिन यहाँ पर ही वो क्लब रुकती नहीं है भाई, पंजाब एफसी रुकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने साइन कर दिया है एडू बेरिया फ्रॉम एफसी गोवा। जी हाँ दोस्तों, एकदम बड़ी मछली को पाया है भाई, बड़ी मछली के अंदर। और हम बात करते कि ये देखो, ये टीम जो है पंजाब एफसी, यस आई लीग चैंपियंस है, उन्होंने दूसरे प्लेयर्स अगर आप बात करोगे तो वो थोड़े थोड़े प्लेयर्स देख रही है आई लीग में से। लेकिन सब लोग बात कर रहे थे कि भाई एक एक्सपीरियंस आईएसएल प्लेयर्स रहेंगे, दो से तीन आईएसएल प्लेयर्स अगर रहेंगे टीम में तो काफी एक मोरल अच्छा रहता है एंड वो एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, बाकी प्लेयर्स को भी बता पाएंगे कि हाँ यार आईएसएल में ये इंटेंसिटी है, ऐसा गेम खेलता है। एंड एडू बेरिया आपको पता है, वो उन्होंने पूरा इतना 6 से 7 साल तो यहाँ पर ही गोवा के साथ ही इंडिया में बिताए, तो ही नोज एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ आईएसएल। तो यार भाई अगर आप बात करोगे एडू बेरिया को सब पता है, और हम सभी को पता है कि व्हाट अ प्लेयर ही इज, क्रेजी प्लेयर। हाँ सर, कभी कभी मुझे थोड़ा एटीट्यूड मुझे उसका पसंद नहीं आता, थोड़ा लड़कीगिरी करता है। तो बट बाकी ठीक है। अगर पंजाब एफसी के बारे में बात करोगे, इट्स अ टॉप डब्ल्यू डील भाई, इट्स अ टॉप डब्ल्यू डील मेरे हिसाब से। सो देखते हैं भाई, लेट्स होप एडू बेरिया अपना लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ला सके पंजाब एफसी में एंड पंजाब एफसी को हेल्प कर सके ये सीजन अच्छा परफॉर्म करने। अब बात करेंगे मुंबई सिटी के बारे में, जो क्लब जिन्होंने आईएसएल शील्ड जीता था एंड सिक्योर किया था एएफसी चैंपियंस लीग का स्पॉट। जी हाँ दोस्तों, हम सब बात कर रहे थे कि भाई कभी मिडफील्डर साइन करेंगे। वहां पर देखो मोहन बगान साइन कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मोहन बगान चैंपियंस लीग खेलने वाली है एंड मुंबई सिटी क्या उसको एएफसी कप खेलने वाली है। लेकिन भाई आज ही अनाउंस कर दिया, जी हाँ दोस्तों, योएल नीफ क्या उसको नाम क्या है जी हाँ दोस्तों, योएल वैन निफ ये उसका नाम है एंड ही इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, जो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर भी खेलता है एंड कभी कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो डिफेंडर भी खेलता है। तो ही इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, 30 इयर्स का है एंड 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भाई। तो ये जो योएल वैन निफ है, उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद मुंबई सिटी। अगर बात करोगे उसके पहले तो वो हंगेरियन टॉप टायर क्लब के लिए खेलता था, पुस्कस एकेमेडिया एफसी ऐसा कुछ तो नाम था उसका। तो भाई ही इज अ फॉर्मर नेदरलैंड्स, ही इज अ फॉर्मर नेदरलैंड्स अंडर 18 प्लेयर, तो आप बात कर सकते हो। और 30 इयर्स का है तो आप बोल सकते ही हैज अ लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसका एक्सपीरियंस भी काम आएगा। एंड फाइनली मिडफील्ड में ऑप्शंस आ चुके हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या योएल वैन निफ
अहमद जाओ जैसा करते थे उसको रिप्लेस कर पाएंगे कि नहीं? मेरे हिसाब से डेफिनेटली वो इतना तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अहमद जाओ का जो बूट्स था वो काफी बड़ा था, तो मतलब इजीली तो फिलअप नहीं हो पाएगा। बट यस, लेट्स सी यार ये आईएसएल में कैसा परफॉर्म करते हैं, एंड इंपॉर्टेंटली जो हमारा एएफसी चैंपियंस लीग है उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं मुंबई सिटी के लिए। तो फाइनली एक डिफेंडर क्यों आ रहा भाई मेरे मुंह में हर बार, एक डिफेंसिव मिडफील्डर साइन कर दिया है मुंबई सिटी ने, आई एम रियली हैप्पी। लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि क्या इतना काफी रहेगा, क्या इतने साइनिंग्स काफी रहेंगे टू कम्पीट इन चैंपियंस लीग, टू कम्पीट एएफसी चैंपियंस लीग एंड टू कम्पीट इन आईएसएल, थोड़ा डाउट है। और लेट्स सी यस यार, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। आपके क्या थॉट्स है भाई राउंडलेस पंजाब एफसी के बारे में एंड मुंबई सिटी का जो नया साइनिंग है, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी की तरफ हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।